दैनंदिन कामकाज आणि घरकाम या साऱ्या धावपळीत येणारा ताणतणाव निवारण्यासाठी 3 वर्षापूर्वी त्यांनी जलतरणाला सरावाला सुरुवात केली आणि अवघ्या 3 वर्षात वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेत तब्बल 36 सुवर्णपदकं, 3 रौप्यपदकं आणि 3 कांस्यपदकाच्या त्या मानकरी ठरल्या. राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या जलतरण स्पर्धेत तर त्यांनी आत्तापर्यंत 3 सुवर्णपदकं मिळवली आहेत. या आहेत बेळगावच्या ज्योती होसट्टी. खरोखरच त्या एक सुपर मॉम ठरतात. तर त्यांच्यासाठी त्यांचा हा प्रवास नेमका कसा होता हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज त्यांना खास आमच्या तरुण भारतमध्ये बोलवलेलं आहे आणि आम्ही त्यांच्याशी बातचीत करूया. त्यांची मातृभाषा कन्नड आहे त्यामुळे त्या हिंदीमधून आमच्याशी संवाद साधतील. नमस्ते मॅडम. मॅडम जी आप बोलिए की स्विमिंग जो है आपने कब से स्टार्ट किया? 3 साल पहले शुरू किया सर मैंने स्विमिंग. 3 साल हो गए. क्या आप बता सकते हैं कि बचपन से आपको स्विमिंग के बारे में चाहत थी या ये 3 साल पहले ही आपको लगा कि स्विमिंग करें? कैसे ये हो गया? स्विमिंग का पहले से मुझे कुछ आइडिया ऐसे कुछ नहीं था सर. मुझे सीखने का ऐसे मैं बच्चों को सिखाने का सोच के एक्सरसाइज के हिसाब से उनको एडमिशन कराया था. और मेरा बेटा 10 साल से स्विमिंग इसमें है, बड़ा बेटा. और मेरी बात बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ पानी से. मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता था 3 साल पहले. कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स हो गए लाइफ में जिससे बाहर निकलने के लिए मेरे पति ने मुझे सजेस्ट किया कि ज़्यादा स्ट्रेस मत ले, जो भी होगा होगा. हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी कुछ गलत होगा नहीं. तो सारे परेशानियों को साइड में रखो और कुछ अलग सीखो, कुछ अलग करो अपने लाइफ में कि जिससे तुम्हें खुशी मिले. तो एक्चुअली उनको भी पता था मैं बहुत डरपोक हूँ, फिर भी उन्होंने मेरा ध्यान दूसरे इश्यूज से हटाने के लिए मेरे को स्विमिंग क्लास में एडमिशन करा दिया उन्होंने. पहले तो मैं 1 हफ्ता बहुत झगड़ी कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा. लगा कि नहीं चलो एक ट्राई दे देते हैं, सीखने में क्या है. तो ऐसे शुरू हो गया मेरा स्विमिंग का जर्नी. अपने बच्चों को आप सिखा रही थी और आप स्विमिंग खुद अपने ट्रेनिंग कैंप लिया. मैंने तो सुना कि आप 20-25 दिन पानी में भी उतरने के लिए थोड़ा ये कर रही थी. तो उसके बाद में जब पूरा ट्रेनिंग ख़त्म हो गया और रेगुलरली आप प्रैक्टिस के लिए जाने लगी तो कैसा लग रहा था वो टाइम? कि कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए आप कर रही थी या खुद के लिए कर रही थी वो आप? नहीं सर, मैं तो अपने खुद के लिए ही, मतलब जो जो डर था वो निकल गया धीरे धीरे से मेरा. आपने सही कहा कि मैं जब एडमिशन लिया मैं ऑलमोस्ट 20-21 डेज का ही सिर्फ कोर्स का एडमिशन लिया था. और ऑलमोस्ट 15 दिन में बिना पानी में उतरे, सिर्फ स्टेप्स पे बैठ के सर चिल्लाते थे मैडम उतरो नीचे, कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके पैर नीचे ज़मीन को लगते हैं. लेकिन इतना ज़्यादा डर था मेरे मन में कि मैं डूब गई तो क्या होगा. तो वो एक बहुत ये था. और वो धीरे धीरे से मेरा चला गया. और 21 डेज का कोर्स था और 30 डेज में मैं सीख गई स्विमिंग, प्रॉपर स्विमिंग. तो बाद में लगा कि नहीं ये तो अच्छा है, मतलब इतना दिन भर काम करने के बाद शाम को जब हम पूल में जाके प्रैक्टिस के लिए जाते थे वो इतना रिलैक्सिंग मोमेंट्स होते थे. और कोचेस इतने अच्छे हैं हमारे पूल में, स्पेशली सुधीर सर जो स्विमिंग तो सिखाते ही सिखाते हैं. और हर एक चीज़ के बारे में, अगर हमारा दिन भर में कुछ भी काम के स्ट्रेस की वजह से थोड़ा भी मूड इधर उधर हुआ तो वो मतलब समझ के हमको भी लाइक बच्चों जैसे ही ट्रीट करते हैं. ऐसे नहीं कि उम्र में बड़े हैं तो हमको इनसे ऐसे इसमें बात करना है या फिर उनको नहीं डांटना है, बिल्कुल भी नहीं. हम गलती किया तो बच्चों से ज़्यादा हमको डांट मिलती थी सर से. और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने स्विमिंग से, वो सर थे स्पेशली, शायद मैं ज़्यादा अच्छे से और कॉम्पिटिटिव लेवल के बारे में मैंने सोच पाई. उन्होंने ही मुझे इंसिस्ट किया था कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. वही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हस्बैंड उन्होंने आपको वहाँ पे इंस्पायर किया और आपके जो सर, आपके उन कोच, उनका जो रोल है आपने बोला, तो वो सब करके कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के बाद में 36 गोल्ड, अनबिलीवेबल इन ओनली 3 ईयर्स. तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा कॉम्पिटिशन्स का आपका एक्सपीरियंस रहा है?
वो भी बहुत ही अच्छा था सर. एक्चुअली मैं 6 महीने ही हुआ था मैं स्विमिंग स्टार्ट करके, एक कंपटीशन आया और सर ने कहा कि, वो सिर्फ 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया, मैम ऐसे ऐसे बैंगलोर में एक कंपटीशन है तो आपको जाना है. बोली नहीं मैं तो उतना प्रिपेयर हूँ नहीं कि कंपटीशन में, और मैंने ऐसे सोचा भी नहीं कि मैं कभी कंपटीशन में जाऊँगी. घर में पूछूंगी सर पहले, ऐसे उनको टालने के लिए मैंने बोल दिया मैं पति से पूछूंगी, लेकिन मेरे पति तो लाइक पूछने से हाँ हाँ जा, उन्होंने भी परमिशन दे दिया. मैं बोली आपका नाम बोल के मैं अवॉइड करने का सोच रही हूँ और आप मुझे धकेल रहे हो उसमें. तो बोले नहीं नहीं तू जा थोड़ा देखो कैसे रहता है क्या रहता है. तो उन्होंने उन्होंने ज़्यादा वो टाइम पे मेरे को और सपोर्ट किया, क्योंकि घर बच्चे मेरा पति मेरे बच्चे और मेरे पापा मेरे साथ ही रहते हैं, तो मैं एक ही औरत हूँ घर में सारी जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए. और वो तो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं कैसे चली जाऊँ, 2-3 दिन बैंगलोर जाना था, घर बच्चे खाना उनका स्कूल टिफिन. मेरे बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं, मेरा पति मेरे लाइफ में है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं सब संभाल लूँगा, तू एक बार जा के आ जा, तू एक बार जा के आ जा और देख तुम्हें कैसा लगता है, एक्सपीरियंस देख कैसा लगता है. तू अभी मेरे बेटे का कंपटीशन रहा तो मैं उनको थोड़ा डांटती थी, अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको सुनाती है जब तू जाएगी तब तुझे भी पता चलेगा, तू तू एक बार एक्सपीरियंस कर ले. तो उन्होंने बोला तो फिर ठीक है, बोले मैं चली गई. और वहाँ पे जब मैं गई आप सोच नहीं सकते, मेरा हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे. अपना रेगुलर का प्रैक्टिस का वो सेशंस अलग ही रहता है, और वहाँ पे जब हम स्टार्ट पॉइंट पे जाके रुकते हैं जो विसिल बजता है, मैं अभी तक, मैं 3 साल हो गया मैंने इतना मेडल्स वगैरह जीते, अभी तक भी मैं स्टार्ट पॉइंट पे जाती हूँ मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है इतना मतलब. और वो कंपटीशन सिर्फ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मेरा, मैंने एक भी मेडल नहीं जीता वहाँ पे. मेरा पूल से और बहुत लोग आए थे, सबने एक दो मेडल जीता, उनके लिए खुशी तो हुआ मुझको, लेकिन वो पॉइंट पे थोड़ा मतलब अरे मैं थोड़ा और करती तो शायद मेरे हाथ में भी एक मेडल होता. मैं उनका ग्रुप फोटो मैंने निकाला, इतना खराब लगा, अरे यार मैं और थोड़ा मतलब सीरियसली करती तो शायद मैं भी वो फोटो में रहती. वो एक मन में वो एक ये लेके मैं वापस आई कि अरे बाबा मैंने नहीं किया. तो मैंने बोला पति को कि नहीं हुआ मुझसे तो इट्स ओके, तू सिर्फ 6 ही महीने से सीख रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुमको है वो मुझे करना है तो थोड़ा सीरियसली करो. तब मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लिया और 36 गोल आए। हाँ सर. नेशनल का जर्नी कैसा था? मैं सभी 2 बार जाके 3 गोल्ड मेडल, तो ये प्राउड फीलिंग है हर औरत के लिए, तो आपको क्या कहना है, मीन्स कैसे ये हो गया? सर मैं अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का स्पोर्ट्स रहते हैं सर, तो पहले 2018 में मैंने फर्स्ट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया. वहाँ पे मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, फिर भी वहाँ पे भी अच्छा हुआ कि मेरा परफॉर्मेंस और 3 गोल्ड हो गए मेरे. उसके बाद मैं स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई हो गई जो बल्लारी में था, और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि वो इंडोर पूल था, इंडोर पूल था और वो मुझे वो सब पता नहीं था कि कंपटीशन के लिए हम जा रहे हैं. तो पहले हमको वो पूल में, किसी भी नए पूल में हम जाते हैं तो थोड़ा वो यूज्ड होने के लिए हमें उधर प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक दो राउंड ही सही लेकिन हमको करना पड़ता है. वो बात किसी ने बोला भी नहीं था और मैंने भी वो सोचा नहीं था. तो मैं ऐसे जंप, मेरा डायरेक्टली मैं इवेंट के लिए चली गई और जंप करते ही वो पानी इतना मतलब हार्ड था, लाइक मैं भूल गई स्विमिंग की, मैं भूल गई ऑलमोस्ट, मैं ब्लैंक हो गई. मेरा फर्स्ट इवेंट खराब हो गया, मैं कुछ नहीं हुआ. फिर मेरे को लगा अरे कुछ तो गलत किया मैंने, फिर सर से कॉल करके पूछा सर ऐसे ऐसे हुआ, नहीं आप वो होता है हर किसी को, आप पहले वार्म अप करना चाहिए था. फिर बाद में लंच ब्रेक जब छोड़ा था उन्होंने, सब इधर उधर गए, मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस की और लंच ब्रेक के बाद दो इवेंट्स थे वो दोनों में मैंने अपने 100% दिया और मैं गोल्ड लिया. फिर उसके बाद मैं नेशनल के लिए क्वालिफाई हुई, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्विमिंग टूर्नामेंट जो 2018 नवंबर में गांधीनगर गुजरात में हुआ था सर. और वहाँ पे भी मेरे को उतना इजी नहीं हुआ मेरा, जो भी मेडल मैंने लिया लेकिन
मैं गोल्ड अपना मतलब वो टारगेट रख के उतना लेवल का मैं प्रैक्टिस करके गई थी कि नहीं मुझे अपना स्टेट के लिए एक गोल्ड मेडल तो लाना ही है। लेकिन मेरा बैड लक शायद मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहे है थोड़ा रहे है पहले से। और वहाँ पे भी क्या हो गया, हमने स्टार्ट किया 50 मीटर का ही इवेंट था, टिल 20 मीटर्स आई वॉज इन लीड, मैं लीड पे थी और बीच में मेरे पैर में क्रैम्प्स आ गए और मैं किक नहीं कर पा रही हूँ, और मैं किक ही नहीं करूँगी तो आगे कैसे जाऊँगी। और मेरा पूरा जो 6 महीने का मेहनत जो मैंने किया था वो पूरा 1 सेकेंड में मेरे आंखों के सामने से ऐसे गुजरा, और मैं रो रही हूँ वहीं पे, मैं ऐसे वहाँ पे ही हूँ, आगे ही नहीं जा रही, जो दूसरे मेरे इतने पीछे थे और वो आगे जा रहे, वो देख के तो मैं इतना रोई। और ऐसे तैसे मैं रुकी नहीं, स्लो ही सही अपना इवेंट ख़त्म किया मैंने, ख़त्म किया और रोते रोते ही मैं चेंज रूम में गई। और मुझे क्या हुआ है कुछ पता नहीं, मैं सिर्फ रोए जा रही हूँ, मेरा पैर ऊपर, जब मैं आई मेरे को चलने ही नहीं हो रहा था, लेफ्ट लेग मेरा इतना क्रैम्प पकड़ के पूरा ग्रीन हो गया था। और सब होने के बाद मैं चेंज वेंज किया और मैं सर को फिर से रोते रोते, सर ऐसे ऐसे हुआ मेरा इवेंट ख़राब हो गया और मैं पता नहीं ऐसे मेरे को कुछ प्लेस नहीं मिला। तो और जब विक्ट्री डेस्क के पास बुलाने के लिए जो जो जीते हैं उनका अनाउंसमेंट हो रहा था, तब मैंने अपना नाम सुना, तो ज्योति होसट्टी फ्रॉम कर्नाटका शी हैज़ वन ब्रॉन्ज, तो फिर आप लोग आप तीनों का नाम लिया जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे केरला और कर्नाटका, आप लोग प्लीज़ विक्ट्री डेस्क के पास है। तब मुझे पता चला कि अच्छा मैंने ब्रॉन्ज मेडल हुआ है मेरा, तो मैं बोल नहीं सकती आपको कितना मेरे को खुशी हुआ सर। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो मेरा गोल्ड का बिल्कुल था, लेकिन अभी हेल्थ इश्यूज कुछ कर नहीं सकते, तो फिर फर्स्ट मेरा मेडल का एक्सपीरियंस ऐसे था। तो मैडम आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती है, घर में भी आप रिस्पॉन्सिबल वुमन एक अकेली है, तो ये सब करके प्रैक्टिस कब होता है? ड्यूटी के बाद ही सर, क्योंकि सुबह से तो घर बच्चे उनका स्कूल उनका टिफिन, और मेरा 9 बजे ड्यूटी पे रहना है, 9 to 4:30 जॉब है मेरा, तो घर पहुंचते पहुंचते 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। फिर बात रात का सब थोड़ा बहुत अरेंजमेंट सब करके, मैं बच्चे का भी स्विमिंग है तो फिर हम दोनों ही साथ में ही जाते हैं, 7 o'clock जाते हैं, तो उसके बाद तो वापस आने का जब भी सर छोड़ते ही तभी लाइक फिक्स 8:30 तक हो जाना चाहिए। अगर कुछ गलती विलती हो गया तो पनिशमेंट भी मिलता है, हमको भी मिलता है बच्चों के जैसे, और मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा पनिशमेंट लिया मेरे बच्चे से। तो 9 बज नौ बजे तक हाँ होता है, इवनिंग होता है, रात के 7 to 9 तक होता है। लेकिन जब ये प्रैक्टिस शुरू हो गया, डेली प्रैक्टिस होता है, इतना हेक्टिक रूटीन है, फिर भी आपको अच्छा लगता है? हाँ सर, अभी एक दिन का भी छुट्टी हुआ ना तो इतना टेंशन होता है, अरे मेरा एक दिन का प्रैक्टिस छूट गया, लाइक वो एक रिलीफ है सर, एक स्ट्रेस रिलीवर है। और सबको कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी में करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गए अरे बाबा हम कैसे करें, ऐसे सोचे सोचना छोड़ के हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे ना। मैं सच बोलती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी बदल जाती है अपनी। तो आगे के प्लान्स क्या है मैडम? अभी फ्यूचर में, अभी नेशनल में 2 बार गोल्ड हुआ, 3 गोल्ड हुआ, तो अभी इंटरनेशनल जाएंगे आप? सिलेक्शन तो हुआ है सर, लेकिन क्या है ना उसके लिए उतना तैयारी भी ज़रूरी है सर, उसके लिए प्रॉपर डाइटिशियन चाहिए, फिर जिम भी करना होता है, फिर फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा। अभी जहाँ जहाँ भी हम कंपटीशन के लिए अब जाते हैं सब अपने खर्चे से ही, ऐसा नहीं कि कोई स्पॉन्सर करता है या फिर अपने डिपार्टमेंट से कोई मदद मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे खुशी के लिए। मैं अभी वो एक बार हो गया ना तो अभी छोड़ने का मन नहीं होता है, अभी देखेंगे सर मेरा वो थोड़ा क्या क्या होता है। लेकिन इंटरनेशनल को जाने के लिए आप तैयारी तो कर रही है? स्विमिंग क्लासेस तो है सर, अच्छे से चल ही रहा है, वही सर बोल रहे थे डाइटिशियन का भी थोड़ा, क्योंकि मैं आपको तभी बोली नेशनल्स में मेरा पैर को क्रैम्प्स आ गए, तो वो सब भी क्या होता है, अभी जो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में है उनको ज़्यादा मतलब वही काम रहता है, वो अपना स्पोर्ट्स पे ही ध्यान रखे, और शायद उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट रहता है, मेरे इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर। तो जितना मेरे से हो रहा है मैं अपने
तैयारी कर रही हूँ, देखेंगे सर। आपको बेस्ट ऑफ लक। घर काम करता करता आपल्या मुलांना चांगलं स्विमर घडवण्यासाठी प्रयत्न करता करता ह्या आई स्वतःच स्विमर झाल्या आणि राष्ट्रीय स्तरावर चमकल्या। आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांना जायचं आहे, पण काही आव्हानं आहेत, या आव्हानांना सामोरं जाण्याची शक्ती त्यांना देवानं द्यावी, स्पॉन्सर्स मिळावेत या दृष्टीनं त्यांचे प्रयत्न व्हावेत आणि त्यांच्या प्रयत्नांना यश यावं, हीच तरुण भारत सोशल मीडिया टीमच्या वतीनं शुभेच्छा। कॅमेरा पर्सन विजय निंबाळकरसह प्रसाद प्रभू, तरुण भारत न्यूज, बेळगाव। सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।